वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के दो हेयर मास्क का रिव्यू, साथ ही साथ एक हेयर मास्क मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में गुड वाइब्स के दो हेयर मास्क का रिव्यू। तो सबसे पहला जो हेयर मास्क मैंने रिव्यू के लिए चूज किया है वो है गुड वाइब्स का एप्पल साइडर विनेगर स्मूथनिंग मास्क हेयर मास्क। तो ये वाला जो हेयर मास्क है ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी। एप्पल साइडर विनेगर जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इचिनेस के लिए। अगर आपके स्कैल्प में किसी प्रकार की कोई इचिनेस है या फिर कोई प्रॉब्लम है आपके स्कैल्प में, तो आपकी स्कैल्प को जो है ये बेटर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए आप जो है ये वाला मास्क यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, आपके बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई है, तो डेफिनेटली आप ये वाला हेयर मास्क यूज कर सकते हो। ये वाला जो हेयर मास्क है इसके अंदर में पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, एंड ये एनिमल टेस्टिंग भी नहीं है। तो ये वाला जो हेयर मास्क है ये क्रुएल्टी फ्री है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये वाला जो हेयर मास्क है 200 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आता है, जिसकी प्राइस है 499 रुपीज। और आपको जो है purple.com पे ऑलवेज डिस्काउंट मिलते रहेगा गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा दिया गया कूपन कोड यूज कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो जिससे कि आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो रहा हमारा पहला हेयर मास्क जो है एप्पल साइडर विनेगर स्मूथनिंग हेयर मास्क। नेक्स्ट जो हेयर मास्क का रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, एंड इसको मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी किस किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये वाला जो हेयर मास्क है ये है बनाना शाइन हेयर मास्क, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस, एंड नो पैराबिन नो सल्फेट नो एनिमल टेस्टिंग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये वाला जो बनाना हेयर मास्क है ये हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है वो मैं आपको बता देती हूँ। बनाना हेयर मास्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए, आपके बालों के शाइन के लिए। नेचुरली जो है आप घर पे भी बनाना, राइप बनाना लेके उसको पीस के उसका मतलब मिक्सचर बना के आप हेयर मास्क बना के लगा सकते हो, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड सेकेंडली जो आप राइप बनाना लेके आप अपने बालों में लगाओगे ना, उसको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बिकॉज मैंने एक बार ट्राई किया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉश करने पर। तो उसके जगह पे जो है आप ये वाला पैक यूज़ कर सकते हो, इसको वॉश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, आराम से आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये वाला जो बनाना हेयर मास्क है, अगर आप अपने बालों को आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने बालों पर शाइन चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ये वाला हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो। सेम प्राइस है, सेम क्वांटिटी है, एंड ये वाला हेयर मास्क को किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगी, एंड कितनी देर अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वाला जो हेयर मास्क है एप्पल साइडर विनेगर, दोनों ही हेयर मास्क जो है मिनिमम आपने 20 मिनट्स अप्लाई करना है, और अगर आपके पास में अच्छा खासा टाइम है तो प्लीज़ 60 मिनट तक अप्लाई करिए, बट अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो 20 मिनट्स भी इनफ होंगे। अपने बालों पे आप इसको अप्लाई करके रख सकते हो, एंड उसके बाद में जो है ठंडे पानी से आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। रिमेंबर कि गर्म पानी नहीं लेना है, और अगर आप ठंड जैसे कि आ रही है तो आप ज़्यादा ठंडा पानी नहीं अपने बालों पे डाल सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी गुनगुना पानी आप कर लीजिए एंड उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिए, बिकॉज ज़्यादा गर्म पानी हमारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आप गुनगुना पानी करके भी अपने बालों को वॉश कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, इस हेयर मास्क को लगाने से पहले या फिर किसी भी हेयर मास्क को लगाने से पहले एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपके जो बाल है वॉश होने चाहिए। तो मैंने जो है मेरे बालों को आज सुबह ही धोया था, तो अब आप देख सकते हो मैं सेक्शंस निकाल रही हूँ, एंड इस तरीके से इस हेयर मास्क को लेके मैं मेरे बालों को अच्छे तरह से मसाज करूँगी इस हेयर मास्क का। और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये हेयर मास्क है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो इस तरीके से मैं वन बाय वन सेक्शंस निकालते जाऊँगी एंड अप्लाई करती जाऊँगी। आप भी इसी तरीके से इसको अप्लाई करिए, एंड उसके बाद में जो है फ्रंट हेयर पर मैं अप्लाई करूँगी। तो ये वाला जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को जो है सिल्की शाइनी बनाने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करेगा। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड इस मास्क को लगाते ही जो है बाल जो एकदम ड्राई महसूस होने लग गए हैं मुझे, बट वॉश करने के बाद में ये जो है सिल्की शाइनी बना देगा। तो अगर आपके बाल थोड़े ड्राई लगे, आपको खिंचाव लगे, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने जो है सारे बालों पर जो है हेयर मास्क को अप्लाई कर लिया अच्छी तरह से, एंड अब मैं 60 मिनट तक इसको अपने बालों पर रखूँगी एंड उसके बाद में हेयर को वॉश कर लूँगी। एंड मेरे जो हेयर है ड्राई हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो मेरे बालों को, बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, और इसको धोना और इसको निकालना अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने इसको 1 आवर रखा है, आप चाहो तो इसको 1 आवर भी रख सकते हो, या फिर आपके पास में टाइम का प्रॉब्लम है तो आप 20 मिनट्स में भी इसको वॉश कर सकते हो, बेनिफिट उतना ही देगा, बट 1 आध घंटा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों इसको वीक में आपने एक बार यूज करना है, डेली यूज नहीं करना है, वीक में एक ही बार यूज करना है इस हेयर मास्क को। आपके बालों को जो है आप जब रेगुलर इसको यूज करोगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आपके जो बाल की कंसिस्टेंसी, हेयर की कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।